आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी, मलाई मेथी पराठे की रेसिपी, जो कि एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं तो आप इसे लंच में या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में बना के इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पराठे के लिए डो लगा लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हम गेहूं का आटा लेंगे और यहीं पे हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए मेथी के पत्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि मेथी के पत्ते और बीज हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इनका हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहीं पे मैंने नमक ले लिया है और ये मैंने एक कटोरी यहाँ पे फ्रेश दूध की मलाई ली है। मलाई डालने से पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट भी इसका दुगना हो जाता है। यहाँ पे आपको तेल या घी लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका हमें एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि आटा बहुत ही सॉफ्ट लगा है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये आटा तैयार हो गया। इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम पराठे के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं और आलू को अच्छे से हमें मैश कर लेना है। आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं और अब इसमें हम कुछ चीजें और मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को कद्दूकस कर लिया है। पनीर इसमें ऑप्शनल है पर इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बारीक कटा हुआ लहसुन लेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे और यहीं पे हम अदरक को कद्दूकस करके लेंगे। अदरक के चंक्स मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ग्रेट करके लिया है। और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ले लेंगे और यहीं पे हम लेंगे एक मीडियम साइज का प्याज है, जिसे मैंने बारीक चॉप किया है, इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहीं पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये अजवाइन लिया आधी छोटी चम्मच और रोस्टेड जीरा पाउडर लेंगे आधी छोटी चम्मच। और यहीं पे हम चाट मसाला भी ले लेंगे, जिससे कि बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा पराठे में। तो बस यहाँ पे हम इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पराठे के लिए ये हमारी स्टफिंग तैयार है। तो यहाँ पे हमें आटे के पेड़े काट लेने हैं। आप पराठे को बड़ा या छोटा जिस साइज में बनाना चाहते हैं उतने पेड़े काट लें। इसे हम गोल करेंगे और इसे हम इस तरीके से एक कप का शेप देंगे। तो ये बहुत ही इजी है। अगर आप कुकिंग में नए हैं तो आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करें, बहुत ही अच्छा बन जाएगा ये। और अब हम ने जो स्टफिंग तैयार की थी इसे इसमें फिल करेंगे। तो ये हम स्टफिंग डालेंगे इसमें। तो एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने स्टफिंग ली है। कोई भी स्टफ पराठे में अगर स्टफिंग अच्छे से भरी होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे थोड़ा अच्छे से दबा दबा के अच्छे से हम फिल कर लेंगे। और अब हमें इसे अच्छे से सील करना है। तो इसे इस तरीके से घुमाते जाएंगे और इसे हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। जो भी अगर स्टफ बाहर आ जाए तो उसे प्रेस करके अंदर कर देंगे। और ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा पराठे के लिए तैयार है। और अब हमें इसे बेलना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। और पराठे बेलते वक्त अगर थोड़ा बहुत फट जाए तो हाथों से आप इस तरीके से इसे चिकना कर लें। तो ये यहाँ पे हमने बेल के तैयार कर लिया है पराठे को। अगर स्टफिंग करने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से भी स्टफ पराठे बना सकते हैं। आप थोड़ा सा सूखा आटा लेके पहले छोटा सा बेल लें, उसके बाद आप स्टफिंग बीच में डाल सकते हैं और इसे अब हम सील कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आटे को फोल्ड करते जाना है। तो बहुत ही आसानी से आप स्टफ पराठे बना पाएंगे। बस इसे भी हम सूखा आटा डाल के बेल लेते हैं। तो बस अब हम पराठे को सेक लेते हैं। यहाँ पे तवा गरम हो गया है तो एक साइड से हल्का सा हम पराठे को पकने देंगे, उसके बाद इसे हम पलट देंगे और जब दूसरी साइड से अच्छे से पक जाए तो इसे हम तेल या घी लेकर के अच्छे से गोल्डन होने तक के लिए सेक लेते हैं।
तो दोनों साइड से अच्छे से हम सेक लेंगे और बाकी पराठे को भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठे ये बनते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।